I want to be a company, I want to take a look back, I want to go to the world. पहला पड़ाव आपका 10th है, तो हर पड़ाव जो है आप तो जैसे ग्रेजुएट हो गए हैं, बट हर एक पड़ाव को उसकी इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जब आप 10th में हैं तो आपके लिए 10th इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे नंबर से क्रॉस पास करें। जब आप 12th पड़ाव इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, आप एग्जाम पेज करना है। अगर आप देखिए देखें, ये हमारा जो रेगुलर करियर काउंसलिंग सेशंस हम कराते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो उसी का एक ये पार्ट है जिसमें अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस से बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं, और इसमें ये ओपन रखा गया था जिसमें से स्पेस के हिसाब से फिर चूज़ किया गया जो बच्चे आएंगे रैंडमली। और ये इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आज के टाइम पे बच्चे किस तरह से स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, और जो डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, जो गलत इवेल्स रहते हैं जो इन चीज़ों से रोकते हैं और हमारी सोसाइटी को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि मंशियात हैं, ड्रग्स हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे कैसे बचें। तो एक तरह से करियर काउंसलिंग भी है और ये भी है कि हैंड होल्डिंग किस तरह से की जाए अगर अगर ड्रग्स से बचना है, और अगर कोई शख्स ड्रग में मुब्तला है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस की गई। अलग अलग यहाँ पे जो करियर ऑप्शंस हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज भी है, आईटी भी है, और भी बाकी जो ऑप्शंस रहते हैं बच्चों के सामने वो डिस्कस किए जा रहे हैं। और बहुत ही हेल्दी इंटरेक्टिव सेशन ये रहा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अपने डाउट्स भी क्लियर करवाए हैं। मुझे उम्मीद है इस तरह के सेशंस और भी कराए जाएंगे, और वेरिड जो अलग अलग करियर ऑप्शंस हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करके यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कि हमने जो करियर काउंसलिंग की बात की, हमने सब कुछ सिर्फ पढ़ाई से नहीं जोड़ा है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ आर्ट्स में हैं, कुछ बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो एक तो यही आज डिस्कस हो रहा था कि प्रेशर में ना आते हुए जिस चीज़ में जो हुनर है उसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है, और जहाँ तक पढ़ाई की बात है बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है और बेहतर करने के लिए पढ़ाई में, तो वो भी आज डिस्कस किया जा रहा है किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ाई में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।